रीवा एसपी ने किया हत्या का सनसनीखेज खुलासा। पहले गला घोंट कर की थी हत्या, फिर बाइक से ठिकाने लगाई गई लाश। नाबालिग सहित तीन आरोपी गिरफ्तार। दुर्गा पंडाल में गए युवक की तीसरे दिन मिली थी लाश। महिलाओं से छेड़छाड़ से तंग आकर आरोपियों ने की थी युवक की हत्या। आपको बता दें कि रीवा जिले में जहां दुर्गा पंडाल में जाने निकले युवक की लाश मिलने के बाद पुलिस ने उसकी हत्या की बेहद ही सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। युवक की लाश बैकुंठपुर के ग्राम दोहा स्थित पुल के नीचे मिली थी। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने युवक के सिर पर चूड़े से हमला किया, फिर गला घोंट कर हत्या की और लाश को बाइक से ले जाकर ठिकाने लगा दिया था। हत्या की वजह मृतक द्वारा महिलाओं के साथ छेड़खानी करना बताया गया था, जिससे तंग आकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने वारदात में शामिल एक नाबालिग सहित सत्यम रावत एवं प्रदीप रावत नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम देना बताया है। दरअसल बीते दिवस बैकुंठपुर के ग्राम दोहा स्थित पुल के नीचे अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। मृतक की पहचान लाल गांव के ग्राम अटरिया निवासी 21 वर्षीय हर्षित सिंह के रूप में की गई थी, जो 8 अक्टूबर की रात घर से दुर्गा पंडाल जाने के लिए निकला था। बताया गया कि पूर्व में हर्षित के सिर में चोट लगने की वजह से उनकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके चलते अक्सर वे महिलाओं और लड़कियों को परेशान करता था। हर्षित की इन्हीं बुरी आदतों के चलते आरोपियों ने उससे सबक सिखाने की योजना बनाई और घटना दिनांक की रात जब वह दुर्गा पंडाल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते से बुलाकर एक खेत के बीच ले गए, जहां पहले तो आरोपियों ने उसके सिर पर लोहे की चूड़ा से हमला किया, फिर गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने गांव में हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को गुमराह करने के इरादे से उसके शव को बाइक से ले जाकर बैकुंठपुर के समीप ठिकाने लगा दिया था। फिलहाल लालगांव चौकी पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए वारदात में शामिल एक नाबालिग सहित कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से सत्यम रावत एवं प्रदीप रावत शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर लिया है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया। ये बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में विगत दिनों एक बॉडी मिली थी और जो जिसको आइडेंटिफाई किया गया तो उसका नाम हर्षित सिंह पाया गया था, जो कि लालगांव क्षेत्र था चौकी क्षेत्र का रहने वाला है और वहाँ पे उसके एक दिन पूर्व उसमें गुमशुदगी दर्ज थी। और जब इसकी पूरी गुमशुदगी और मर्ग जाँच इसमें की गई तो पता चला कि उसको कुछ चोटें आई हैं जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है, और जिसमें फिर गुमशुदगी जाँच के आधार पर जो टेक्निकल साक्ष्य हैं और लोगों से जो पता चला तो ये आइडेंटिफाई हुआ कि एक दो लोग ने उसको बुलवाया था और फिर उसके साथ मारपीट करके उसका मर्डर किया था और उसकी बॉडी को फिर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में ले जाया गया। जो आरोपी मिले हैं उनका नाम प्रदीप कोल है, सत्यम रावत है और एक अपचारी बालक है 14 साल का। तो इन तीनों लोग ने योजनाबद्ध तरीके से हर्षित को मारपीट किया था और उसकी बॉडी को फिर दूसरे थाना क्षेत्र में डंप कर दिया था। इन दोनों को अभिरक्षा में लिया गया और जो अपचारी बालक है उसको भी अभिरक्षा में लिया गया है। मोटरसाइकिल इसमें जब्त की गई है और जो घटना कारण अभी तक समझ में आया है कि हर्षित का किसी से प्रेम प्रसंग था और संभवतः उसके परिवार के थे, आरोपियों के परिवार के थे, और जिस चीज़ इनको ठीक नहीं लगे और संभवतः हर्षित भी उस लड़की को परेशान कर रहा था, तो इस चीज़ का बदला लेने के लिए इस प्रकार का घटनाक्रम किया है। इन्होंने जो कड़ा पहनते हैं हाथ में उससे मारपीट किया था और फिर जो चेस्ट है उसको दबाया था जिससे सांस नहीं ले पाया और गले को भी दबाया था। तो इस प्रकार से दो तीन तरीके से प्रेम प्रसंग पूरी तरह से क्लियर नहीं, लेकिन यह है कि हाँ बातचीत हुई थी और फिर उनके बीच विवाद हुआ था और फिर हर्षित संभवतः उस लड़की को परेशान कर रहा था, तो इस चीज़ से फिर वो होकर उन्होंने मारपीट किया था उसके साथ। जो तकनीकी साक्ष्य हैं और जो हमको कुछ मुखबिर हैं उनके आधार पे हमने इस हत्या को खोलने में खुलासे